बात करेंगे इसके पोषक तत्व प्रबंधन की बात, तो पोषक तत्व प्रबंधन हम समन्वित तरीके से करेंगे, जिसमें हम कार्बनिक खादें जैसे कि हरी खाद, गोबर की खाद, केचुए की खाद इत्यादि भी देंगे, जिससे हमारे फसल को पोषक तत्वों की मांग पूर्ति होती रहे, साथ ही साथ मृदा की गुणवत्ता भी बनी रहे। साथ ही अगर कुछ रासायनिक खादों का इस्तेमाल की ज़रूरत पड़े तो उन्हें, हालांकि रासायनिक खादों का प्रयोग मृदा की जांच के अनुसार ही करना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश जांच उपलब्ध नहीं है उस वक्त, तो हम 50 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस एवं 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के समय तथा प्रत्येक कटाई के बाद लगभग 30 किलो नाइट्रोजन प्रत्येक कटाई के बाद हम दे सकते हैं। इस प्रकार हम इसमें पोषक तत्व का प्रबंधन कर सकते हैं। बात करेंगे खरपतवार प्रबंधन की, तो दोस्तों जैसे ये फसल है, इसकी बढ़वार बहुत तेज़ी से होती है और यह खरपतवारों को पनपने नहीं देती है, ऐसी फसल है। लेकिन फिर भी अगर खरपतवार हमें दिखते हैं, हम उसको निराई गुड़ाई के माध्यम से हटा देंगे, क्योंकि यह एक चारा फसल है जिसे हम अपने पशुओं को खिलाने के लिए उगाते हैं, इसलिए हम इसमें ज़्यादा खरपतवार नाशियों रसायनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पशुओं के स्वास्थ्य और हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होगा। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि निराई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवारों को हटाएं। फिर भी अगर खरपतवार ज़्यादा हैं तो 2,4-D नामक दवा की 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा का हम छिड़काव करेंगे खरपतवारों के उगने के बाद, तो हमें खरपतवारों से निजात मिल सकती है।